उत्तर प्रदेश का बलिया, बलिया का मनियर, ये वैसे बांसडी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। दोस्तों, ऐसा क्या चमत्कार है बाबा में जहां इंडिया के हर कोने से लोग आते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं, निवास करते हैं, प्रवास करते हैं और बाबा को सुबह जल अर्पण करते हैं और दूध भी, फूल भी चढ़ता है बाबा को, विभिन्न तरह के प्रसाद भी। एक प्राचीन पोखरा है जहाँ स्नान करने का अलग महत्व है, उस महत्व को भी समझना होगा बाबा। ये कहते हैं कि साल पुरानी मंदिर है बाबा का मंदिर, श्री नौका ब्रह्म जी महाराज का मंदिर जो है 450 साल पुरानी है, हमारी पूर्वजों ने कही है। अब एक चीज़ अलग देखी जाती है, यहाँ पे महिलाएं रोती भी हैं, कुछ अजीब सा यहाँ का दृश्य होता है, क्या है वो? महिलाएं या जो है पुरुष, यदि भौतिक बाधा से संबंधित कोई कार्य है तो चीखती भी हैं, रोती भी हैं, बाबा स्वयं जो है देखते हैं। यदि शैतानिक हरकत है तो उसको जो है बाबा दंड देते हैं। ये क्या होता है फिर से एक बार बताएं। जैसे किसी प्रकार के पुरुष हो या महिला हो, यदि शैतानिक हरकत है, दैहिक हो या भौतिक, तो महिलाएं उस शैतानिक हरकत को बाबा दंड देते हैं स्वयं, और चीखती भी हैं, रोती भी हैं, हंसती भी हैं, तो फिर निजात मिल जाता है। हाँ, इंसाफ मिल जाती है, इसलिए कि स्वयं जो है बाबा ही करते हैं, दंड भी देते हैं, दंड भी देते हैं। उस महिला को नहीं देते हैं, वो शैतानिक हरकत को दंड देते हैं, लेकिन अब प्रवेश हो गया है तो भाई वो तो दंड अवश्य है ना। तो यहाँ आते ही सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। हाँ, बाबा के शरण में आने पर, श्रद्धा भक्ति से पूजन पाठ करने पर, बाबा को जो है सेवा करने पर, अपने आप जो है वो ठीक हो जाता है, जो भी है दुख है या भौतिक बाधा है कोई चीज़ हो। अच्छा, ऐसे ये कह रहे थे कि यहाँ कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? देखिए, यहाँ तमाम जगह के लोग आते हैं, कलकत्ता, बॉम्बे, राजस्थान, महाराजगंज, सिवान, देवरिया, कुशीनगर इत्यादि जो है बहुत जो है जगहों से लोग यहाँ पर आते हैं। और नवरात्रि में कौवार और चैत्र में, आश्विन मास में जो चल रहा है इस वर्तमान में, और चैत्र महीना में बसंत ऋतु में बहुत लोग जो है आते हैं जगह जगह से, और सबको जो है बाबा की कृपा से जो है सबका जो है भगवान बाबा जो है मनोरथ को पूरा करते हैं। अच्छा, ये कह रहे थे कि अभी 9 दिन में क्या क्या होता है यहाँ पे? 9 दिन में नवरात्रि है, नवरात्रि में जो है भगवान बाबा का जो है श्री नौका ब्रह्म जी महाराज का पूजन अर्चन होता है। किसी प्रकार की भौतिक बाधा से पीड़ित है वह जो है जीव, तो वह जो है बाबा अवश्य जो है वह कार्य को करते हैं, इसलिए नवरात्रि में जो है भीड़ भाड़ लगती है, मेला लगता है। अच्छा, एक चीज़ जानकारी जो है कि आखिर नौका बाबा कौन है, कहाँ से आए, कैसे यहाँ स्थापित हो गए? नौका ब्रह्म जी महाराज बिहार के एक जो है चैनपुर ग्राम, वहाँ से जो है आए थे, और यहाँ पर जो है एक शादी हुई थी तो वहाँ पर इनको जो है डाइन मार दी, और वह जब लेकर के चली उनकी लड़की यहाँ पर जो शादी हुई थी, तो सिनहोगी में कर करके डीबी में बंद करके वह जो है लेकर के आ गई, और यहाँ कुछ दिन के बाद जो है वह देखती है कि उसमें से 2 ठो फतिंगी निकलती है, और 2 फतिंगी से यहाँ पर उस समय बहुत जंगल और जो है घनघोर जो है बंद था, यह यहाँ पीपल का वृक्ष था उस पर निवास करने लगे। कुछ दिनों के बाद जब हमारी खानदान उपाध्याय परिवार ने वह चीज़ को देखा, तो गुरुमुख करने के लिए बाबा जो है शिक्षा दीक्षा लेने के लिए इन लोगों को स्वप्न में दिखाए, और स्वप्न में दिखा करके वह इनकी इतना तेज था, शक्ति था, कि यह जो है हमारे पूरा परिवार उपाध्याय परिवार ने इनको जो है शिक्षा दीक्षा गुरुमुख जनेव यज्ञ पवित्र संस्कार को किया, तब से इनकी जो है महिमा प्रचलित हुई, हर कार्य जो है होने लगा, तब से जो है इनकी नाम जो है बहुत से देशों विदेशों में जो है बढ़ने लगा और चमत्कार भी होने लगा। उत्तर प्रदेश का बलिया, और जैसा आपने बताया, क्या नाम लेते हैं बाबू साहब? नाम क्या लेते हैं आप? श्री नौका ब्रह्म जी महाराज। आप अपना नाम क्या लेते हैं? रविंद्रनाथ ने बताया कि उत्तर प्रदेश का ये जो बलिया है, बलिया का मनियर, यहाँ पे बहुत पुराना प्राचीन मंदिर नौका बाबा का है। यहाँ जो भी सच्चे दिल से, मन से जो भी मुराद लेके आता है अवश्य पूरा होता है। और जो इस तरह का आप दृश्य देख रहे हैं, दृश्य के पीछे क्या है, जैसा आपने बताया
कि अगर कोई भी शैतानी हरकत किसी पुरुष या महिला के अंदर प्रवेश करता है लेकिन इस प्रांगण में आते ही वो सब कुछ नष्ट हो जाता है और यहाँ से चाहे महिला और पुरुष ठीक होकर चली जाती हैं। यह है बाबा का चमत्कार। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही, जुड़े रहें हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।